चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमें सिखाने का कार्य, जज्बे से लड़ने का कार्य यदि किसी नेता ने इस देश और प्रदेश के अंदर किया तो वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। साथियों, आज इकट्ठा होने का वक्त आया है। ये सरकार अब भी जातियों में कमी नहीं करती और आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनसे प्रेरणा लेकर आपकी लड़ाई को संसद और सड़क से और संसद तक लड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अब एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी निगाहें इस जमीन पर लगी हुई हैं। चौधरी नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय चौधरी जैन जी, सभी खापों के थंबेदार, और हमारे बीच में एक सादगी भरे रूप में जो हमेशा बाबा जी से हमें प्रेरणा भी मिली है, ऐसे हमारे किसान नेता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, वे सभी अन्नदाताओं, वैसे तो किसानों की आवाज स्वर्गीय सर छोटू राम ने उठाने का स्वतंत्रता के आंदोलन से ही शुरू किया था, लेकिन इस आवाज को संवैधानिक तरीके से संसद में उठाने का कार्य स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने किया था। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने जमींदारा खात्मा और चकबंदी अधिनियम जैसे अध्यादेश लाकर आज इस किसान के वजूद को बचाने का कार्य किया था। यदि हम चौधरी अजीत सिंह की बात करें तो इस किसान बिरादरी पर स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने भी अनेकों एहसान चढ़ाए हैं। इन मिलों की सौगात जो आज हमारे क्षेत्र को मिली है, यह अजीत सिंह की देन है। डंकल कमीशन का विरोध करके डंकल कमीशन को वापस कराने का कार्य चौधरी अजीत सिंह ने किया था। लेकिन साथियों और किसान भाइयों, यदि सही माने में आंदोलन करके, धरने करके और पानी के थोड़ पर अपनी मांगे मंगवाने का कार्य, हमें सिखाने का कार्य, जज्बे से लड़ने का कार्य यदि किसी नेता ने इस देश और प्रदेश के अंदर किया तो वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। हमें याद है वो मेरठ का धरना, हमें याद है वो दिल्ली का धरना, हमें याद है वो नईमा कांड का धरना। साथियों, उसी डगर को, उसी प्रयास को आज हमारे नेता चौधरी राकेश टिकैत कर रहे हैं। साथियों, इस अहंकारी शासक के खिलाफ 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर डटकर और इस शासक के छत्ती पर मूंग दलकर हमारे नेताओं आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत, आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत और आदरणीय चौधरी जैन चौधरी ने इस अहंकारी शासक को अपने कदम वापस खींचने के लिए मजबूर किया। साथियों, आज इकट्ठा होने का वक्त आया है। ये सरकार अब भी जातियों में कमी नहीं करती, लेकिन मैं कहता हूं जिस टाइप से किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन संगठित होकर मुकाबला करती है और राष्ट्रीय लोकदल इस देश और प्रदेश के अंदर जब भी किसानों पर कोई जाति होती है उसका डटकर मुकाबला करता है, और ये अच्छा लगता है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आदरणीय राकेश टिकैत और आदरणीय जैन चौधरी के सानिध्य में काम करने का वक्त मिल रहा है। मैं आपकी लड़ाई, जो आपने मुझे ताकत दी है वो आपकी ताकत है, और हमारे जो महापुरुष हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनसे प्रेरणा लेकर आपकी लड़ाई को संसद और सड़क से और संसद तक लड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये समय जो आया है ये भी आपके संगठित होने का समय आया है, और ये लोग अहंकारी लोग हैं और धर्म के आधार पर धार्मिक उन्माद फैलाकर आपको बांटना चाहते हैं, जातिवाद में बांटना चाहते हैं। अब एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी निगाहें इस जमीन पर लगी हुई हैं।
और इन्होंने एमएसपी नहीं दिया, गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, गन्ने का भाव नहीं दिया और ये लोग जाति पर जाति करना चाहते हैं। अभी एक अधिनियम, अभी एक और कार्य इन्होंने किया है जो हमारा पुष्पक वाहन है, पुष्पक विमान है, उसमें बैठकर किसान अपने प्रोग्रामों में जाता है, अपने शादी ब्याह में जाता है और किसी आंदोलन में जाता है, उस पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का कार्य इस अहंकारी शासकों ने किया है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं और मुझे लगता है आज यहां ताकत देखकर जो राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल कार्य कर रहा है, तो हम इस अहंकारी शासकों को यहां से जमीन से उखाड़ कर फेंकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और अपनी शुभकामनाएं भारतीय किसान यूनियन को देते हुए और अंत में फिर आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को अपने सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद और जय भारतीय किसान यूनियन और जय राष्ट्र। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छे हमारे प्रसन्न चौधरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल सर, हमारे